आरडीएफ फंड नूं लैके केंद्र ते पंजाब दा हमेशा तो रेड़का रहिंदा सी, पर अज पंजाब सरकार ने वह रेड़का मुका दिता। की कुछ किया पंजाब सरकार ने अजिहा जो जिहड़ा आरडीएफ फंड दा सारा रेड़का मुक गया? मंत्री लालचंद कटारू चक सानूं गलबात कर लैणा। कटारू चक जी, पंजाब सरकार ने अजिहा की कर दिता जिहड़ा केंद्र ते पंजाब दा हुण रेड़का ही मुक गया? नहीं, बेसिकली तो देखो स्टेट राज्यां दे अंदर कुछ इशू रहिंदे ही आ जिहड़े लगातार मतलब जिन्हों कह सकते हैं आप वार्ता च रेंदे आ। सो उहदे च एक इशू यह भी सीगा और जिहड़ा असी अज उहदा करके तो मेरा ख्याल है भी ये काफ़ी अच्छा, क्योंकि जिहड़े पैसे जिस परपजली आते हैं वह सेम परपज ते जाने चाहिए आ। उहदे अंदर ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए है, उहदे अंदर परपज भी क्लीयर होना चाहिए। सो मतलब बीते समय के अंदर जिवें पैसा किसी आसे पासे लाया जाता सीगा, सो इस करके असी क्लीयर किया गवर्नमेंट का निश्चय भी है जिस परपज लिए पैसे उत्ते आपां खर्च करिए। सो वो जिहड़ा उहदे करके जिहड़ा साडा मोर दैन 2000 मतलब जिहड़ा है वो साडा करोड़ नहीं 2 नीयर वोट। सो पैसा सानू हुण जिहड़ा आ वो स्टेट नूं रिलीज़ होएगा। सो इस करके वो डिसीजन जिहड़ा एक साइंटिफिक आधार ते असीं मतलब कीता और ठीक है डिसीजन। कदे संगत दर्शन ते पैसा लग्या, कदे वह कर्जा माफ़ी ते पैसा लग्या, ते जिहड़े संगत दर्शन ते पैसा लग्या उन्हां ते बड़े सवाल भी हुंदे रहे कि वाकई पंजाब सरकार उन्हां दी हुण जांच भी करूगी जिहड़ा पहला पैसा लग्या होया वो? नहीं, हमेशा ही गुंजाइश रहिंदी है हर काम के अंदर उहदी स्टडी होनी चाहिए है। वो काम किसी भी फील्ड का होवे मतलब चाहे वह संगत दर्शन चाहे किसी का भी है, साडी पंजाब सरकार का जतन है भी असी पंजाब दे अंदर लोगों लिए बैटर कर सकी और पैसा सही अर्थों के जोड़ा आ वो लोड़वंद लोगों को जाए उन्होंने जो रिक्वायरमेंट है वो तो खर्च हो सा जतन है। जी FCI खरीद करती उस तो बाद पंजाब दी एजेंसियां हैगी हुण पंजाब ते एजेंसियां ने ते FCI ने कह दिता सी पंजाब चो खरीद नहीं करनी, हालांकि मीटिंग चल रही है करे कह रहे हैं खरीद शुरू कर देने पंजाब चो, क्यों अजिहा रेड़का अजिही स्थिति पंजाब दे विच बनदी है कि केंद्र ते पंजाब आपणे सामने हो जांदे आ? नहीं, दो गल्लां ने इहदे विच जिहड़ियां समझण वालियां। एक तां हैगी आ भी इस बार जिहड़ा गर्मी दा सीजन आ उह थोड़ा एडवांस आ गया, क्योंकि जिहड़ा नेचर दे अंदर बहुत तिखियां डिवेलपमेंट्स हो रही ने, क्लाइमेट साडा चेंज हो रहा। सो उहदा ही रिफलैक्शन आ भी पंजाब दे अंदर मतलब जिहड़ा आ साडी कणक एक तां साइज छोटी आ, दूजा साडे झाड़ 'च भी फर्क पिया जिहदे करके जिहड़ा आ उह केंद्र दी मतलब जिहड़ी पुराणी उहनां दी हैगी आ मतलब 6% जिहड़ी उह लैंदे आ अपना। सो असी केंद्र दे जिहड़े आ कैबिनेट सैकटरी ने जिहड़े PDS ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਟੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੋ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਵੀ 14 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 14 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ CM ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ,
पर मोगे तो खबर आ रही सामने कि एक साइलो के बाहर तीन तीन किलोमीटर लाइन लगिया हुई हैं तो पंजाब सरकार दी जिहड़ी मंडी है वह खाली पई है। इस मसले को कैसे देखते हो तुसीं? नहीं देखो पंजाब सरकार दी मंडियां ते तुसीं जाके देखो विजिट करो उत्थे। मैं जिदा हुणे दस्या भी 14 लाख मीटिंग टन अनाज खरीद चुके हैं असीं पंजाब दे अंदर अज दी डेट च, मतलब ये कल दी रिपोर्ट है, अज दी हो रही तो मतलब ज़्यादा होगी। सो माझे दे अंदर खास करके जिदा अजे मंडियां दे अंदर बहुत थोड़ी आमद हुई है अनाज की, अजे तो सिर्फ मालवे के कुछ हिस्सों मैं वो ते आ रहा ये मैं भी खबर पढ़ी है। सो जितों तक साड़ी सरकार की लाइबिलिटी असी अपनी लाइबिलिटी पूरा संजीदगी निभा रहे हैं। सो बाकी किसान क्योंकि फ्रीडम भी है जिथे उन्हों कुछ वैटर मिलता है जो वैटर लगता है वह तो है वह जा सकता, पर जो MSP असी जी कमिटमेंट हैगी है असी वो प्रॉपर दे रहे हैं और 72 घंटे की बजाय 24 घंटे के बच्चे भी पैसे किसान के खाते पा रहे हैं। सो इस करके जी जिहड़ियां साडे वालों तय नॉर्म जो नॉर्म हैगे आ असी तो 100% लागू कर रहे हैं। टैक्स दे रहे पंजाब सरकार नूं मंडिया दा क्योंकि एक हिसाब दी बराबर मंडी होगी जेकर साइलो बने फिर मैनूं अजे उहदे बारे सूचना कोई नहीं, मैं तो अखबार च ही पढ़ी आ अजे खबर उहदी स्टडी करांगे आपां वी की है। अगला सवाल जिहड़ी किसानां दी फसल नूं अग लग जांदी उस दा मुआवजे बारे कोई सोचा है जिक्र? नहीं डेफिनेटली वो तां हैगा ही है, अग क्योंकि पिछले समय के अंदर भी ये नुकसान होंदे रहे आ। सो इन फ्यूचर तो है ही है, किसान की फसल किसी ढंग ना भी चाहे कुदरती क्रोपी ना सड़दी मतलब मरती है चाहे अग ना सड़दी किसी भी एंगल तो सरकार की लाइबिलिटी है। ठीक है, तो किसानों की फसल की खरीद के अगे तो कोई दिक्कत नहीं आऊगी, राबता कर रहे हैं केंद्र सरकार के नाल, उम्मीद की जा रही जल्दी मसले का भी हल होगा। कैमरा परसन विंतेश के नाल आशु अनेजा, लिविंग इंडिया न्यूज़ चंडीगढ़।